सो हाय हेलो नमस्कार केम छो कैसे गए दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, पहले से बेहतर होंगे। और डायरेक्टली आज हम लोग आपसे मिल रहे हैं गाड़ी के अंदर, ना कुछ प्री प्लान ना कुछ बताया आपको कहाँ पर जा रहे हैं। सो धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। और हमारे साथ में कौन कौन गेस्ट हैं वो उन लोगों से भी आपको मिलवाते हैं। बेसिकली अगर मैं अपना रूटीन बता दूँ तो सुबह मैं घर से 4:30 बजे निकला था, 5 बजे सर के पास पहुँचा, देन 5:30 बजे तक सर आए और हम लोग निकले वहाँ से। और अभी तकरीबन कुछ 7:30-8 हो रहा है और हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्या है, कहाँ पर जा रहे हैं, कितने किलोमीटर हैं, कब तक पहुँचेंगे, तो वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। सो फटाफट कर लेते हैं हम लोग ब्लॉग को स्टार्ट और चलते हैं फिर हमारी वीडियो के साथ में। भाई तो मॉर्निंग से भाई सो रहे हैं अभी तक। सो गुड मॉर्निंग सर देशमुख सर, हाय। गुड मॉर्निंग सुजीत सर, हाय। और भाई आप भी हाय, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। और आपके ड्राइविंग से काफी इम्प्रेस हो गए, काफी रफ गाड़ी चला रहे हैं आप। एक्चुअली काफी टाइम बाद ऐसा रश ड्राइविंग के साथ में मजा करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर मैं जहाँ भी ट्रैवलिंग करता हूँ ना तो सीनियर्स के साथ ही होता है, तो वो मजा आप समझ सकते हैं। बट आज आपके साथ में काफी रफ ड्राइविंग हो रही है, काफी दूर हमको जाना है। सो गाइस फटाफट हम लोग सर थोड़ा सा देशमुख सर से बात करते हैं कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और कितने किलोमीटर है, कब तक हम लोग पहुँचेंगे और शायद हमको बीच में क्या कुछ देखने को मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो शायद हमको बीच बीच में देशमुख सर गाइड भी करते जाएंगे और कुछ कुछ चीज़ें बताते हुए जाएंगे। सो स्वागत है सर आपका हमारे वीडियो में। सो सर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ से कितने किलोमीटर है और उसके बारे में क्या क्या बताना चाहेंगे आप? हम लोग जा रहे हैं कोल्हापुर। ओके। कोल्हापुर करीब 250 किलोमीटर है पुणे से। ओके। और रास्ते में 3-4 बड़े टाउन्स मिलते हैं, एक सातारा है, कराड़ है, और फिर वहाँ से हम कोल्हापुर तक पहुँचेंगे। और सर हमको यहाँ से कोल्हापुर पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा? कोल्हापुर पहुँचने में करीब 4 घंटे लगेंगे, 4-4.5 आवर्स लगेंगे। ओके। पुणे से लेके तो हम लोग को मेनली कोल्हापुर जाना है। तो कोल्हापुर पुणे से कोल्हापुर के डिस्टेंस में ऐसा क्या क्या चीज कुछ है जो फेमस हमको देखने को मिलेगी बाय रोड? कोल्हापुर में तो अभी हम बेसिकली अभी पास हो रहे हैं खंबाट की घाट करके हैं। ओके। तो ये माउंटेन है, ये माउंटेन क्रॉस करके वी विल रीच हम सातारा पहुँचेंगे। अच्छा। सातारा से फिर आगे दूसरा बड़ा जो टाउन लगेगा दैट इज कॉल्ड कराड़। हम लोग कराड़ में वी विल टेक अ हॉल्ट फॉर ब्रेकफास्ट एंड फिर बाद में कोल्हापुर तक पहुँचेंगे। चलिए गाइस तो अभी के लिए इतना बहुत है, अभी थोड़ा थोड़ा हमको ब्रीफ मिल गया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भाई को पहले गुड मॉर्निंग करते हैं, भाई उठ गए। भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, नाम बताइए अपना। संदेश। संदेश भाई उठ चुके हैं, एक्चुअली शायद वीडियो की आवाज़ से हम लोग उनके साथ डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा सा। चलो भाई भी अब उठ चुके हैं, थोड़ा सा एडवेंचर का मज़ा ले लेते हैं। और काफ़ी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था वीडियो स्टार्ट करने के लिए, बट बेसिकली एक्चुअली थोड़ा सा अंधेरा था और जैसे हम लोग पुणे से निकले तो कुछ खास सर्दी नहीं थी, बट अभी थोड़ा सा सर्दी लगा, बीच में थोड़ा फॉग वगैरह था। सो देन सोचा कि चलो अभी स्टार्ट किया जाए क्योंकि थोड़ा अच्छा सा व्यू भी देखने को मिल रहा है। सो हम लोगों ने स्टार्ट के लिए देखे, अभी कितना प्यारा नज़ारा है। मॉर्निंग में ये बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि हम लोग तो उठते ही नहीं है, कभी बार उठने का मौका मिलता है तो देखने को मिल जाता है। चलिए गाइस मिलते हैं फिर आगे, थोड़े से आप नज़ारे लेते हुए चलिए। ओके। सो गाइस हमको ये मतलब लास्ट टाइम हमारा जब देशमुख सर से बात हुआ था, हम लोग आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो आप आई बटन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा जो हम लोग पनवेल गए थे, तो थोड़ा डिटेल में हमको देशमुख सर ने बताया था कि शायद ही जो जे क्या बोलते हैं पहाड़ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल था। और अभी हमको एक न्यू चीज़ पता चली कि सबसे प्राचीन जो सबसे पुराना पुराने में से एक ओके, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं पुरानी, तो सो उसमें से एक ये है कि सबसे पुराना पहाड़ है ये,
और काफ़ी बड़ा है। और एक्चुअली मैं मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है महाराष्ट्र को लेकर के, सो जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ पूना से बाहर, सो ज़्यादातर हम लोगों को पहाड़ी देखने को मिलते हैं, तो ये कैसा पहाड़ में से निकल के बनाया गया पूरा महाराष्ट्र? या एक्चुअली ऐसे आप अगर राजस्थान में जाओ ना जी, वहाँ के जो पर्वत है ना वो सातपुड़ा के पर्वत लाइन से वो, अच्छा, और वो सबसे दुनिया में सबसे प्राचीन है, ओल्डेस्ट है वो। ओके। और वो ये सह्याद्री है ना, ये भी क्या बोलते हैं अग्निजन्य खड़क बोलते हैं, तो उस उद्रेक से एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, इस तरह से ऐसे बने वो। वाह वाह। तो और ये जो बोलते ना तो मराठी में, हमारे मराठी में बोलते कि राकड़ देशा, कंकर देशा, तगड़न के देशा, यानी कि पत्थरों का देश है। पत्थरों का देश। तो यहाँ इसी का चीज का फायदा हमारे पूर्वजों ने लेके बहुत सारे किले बनाए। यस यस। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 350 फोर्ट्स आर इन महाराष्ट्र। ओके। तो अगर समझो कि एक किला जीतने को अगर एक साल भी लग जाए ना, तो 350 किलो को जीतने को 350 वर्ष लग जाएंगे। यही मोटिव था स्वराज का, बाकी कुछ नहीं। ओके 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 ओके। दोस्तों गाइस, काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को मिल रही हैं, काफ़ी प्राचीन चीज़ जानने को मिल रही हैं। सो थैंक यू ब्रदर। सो वी आर गिविंग ए गुड नॉलेज। सो गाइस देखते आगे चलते हैं और देखते हुए चलते हैं और क्या क्या हमको देखने को मिलता है, काफ़ी सारे नज़ारे आपको दिखाते हुए चलते हैं। गाइस हम लोग सतारा से होते हुए पहुंच चुके हैं खराड़, और यहाँ पर सोचा कि कुछ नाश्ता पानी किया जाए। मॉर्निंग से 5 बजे से घर से चले हुए हैं, तो चलते हैं और कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है उसका। सो चलते हैं अंदर, देखते हैं और क्या क्या खाने पीने को मिलता है। आ गए हम लोगों का नाश्ता। एक्चुअली कुछ लोगों का नाश्ता शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुका है, हम लोगों का थोड़ा लेट आ रहा है। सो अभी सुजीत सर का और हमारा आया है, अभी टेस्ट करके देखते हैं। सुजीत सर क्या है बेसिकली, क्या बोलते हैं उसको? चीज़ ओनियन उत्तप्पा। सो मैं शायद सेकेंड टाइम खा रहा हूँ, तो फटाफट खा लेते हैं और टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। गाइस एक्चुअली ब्रेकफास्ट करते हो गया, टी कॉफ़ी भी हो गया सब लोगों का, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी टेस्टी था। सो मैं इस रेस्टोरेंट को जो पंकज नाम से है, आप कभी खराड़ आएंगे जो सतारा रोड से निकलते हुए कोल्हापुर के लिए जाता है, मेन रोड पे ही है। सो मैं यहाँ के ब्रेकफास्ट को 10 out of 10 देना चाहूँगा। मुझे सांभर काफ़ी पसंद आया, और जो मेरी डिश थी वो थी चीज़ ओनियन उत्तप्पा चीज़ ओनियन उत्तप्पा, ठीक है। तो काफ़ी पंकज नाम से मेन रोड पे है, तो आप कभी भी आएंगे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी मज़ा आया। और अभी एक्चुअली 10 बज चुका है, अभी फटाफट हम लोग निकलते हैं क्योंकि हमको वहाँ पर 11 बजे तक एटलीस्ट कैसे भी एनी हो पहुँचना है। तो मे बी 1 घंटा हमको लगेगा यहाँ से निकलने में। सो फटाफट गाइस चलते हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया, पेट पूजा बहुत ज़रूरी थी तो जो भी हो चुकी है, अभी चलते हैं और फिर मिलते हैं फिर आगे। चलिए ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए आए हम ना आए। ऐसा भी हम लोग रुके हैं थोड़ा CNG वगैरह डलवाने के लिए, क्योंकि पूना से तकरीबन हम लोग 4-5 पंप पे रुक चुके हैं और इतना लंबा लाइन था ना, और यहाँ पर भी कोई छोटा मोटा लाइन नहीं, आप लाइन देख सकते हैं। तो ये हालत है CNG की आउट ऑफ सिटी। अगर आप पूना से, मुंबई से, दिल्ली से, अगर आप लोग ऐसे मेट्रो सिटी से अगर बाहर निकल जाते हैं तो ये CNG की हालत है, क्योंकि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पेट्रोल तो आपको चाहिए चाहिए, अगर आपको CNG के साथ में चाहिए
तो फिर आप देखो इतनी लंबी लाइन है, तो तकरीबन अभी हमको आधे घंटे यहाँ पर शायद वेट करना पड़ेगा, उससे जल्दी हो जाएगा तो वेल एंड गुड, बट इस तरीके की हालत हो जाती है। हम लोग चार पांच जगह और रुक चुके थे, बट वहाँ पर भी हम लोगों को कहीं तो सीएनजी मिला नहीं, और मिला तो इससे भी दो गुना तीन गुना लाइन ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग वहाँ पर रुके नहीं। सो फाइनली फटाफट सीएनजी भर जाए और फिर हम लोग निकलते हैं, जस्ट लाइक आपको दिखाने के लिए था। और दोस्तों एक चीज़ और कि आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ सजेशन था कि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है, सो जिससे कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है और शायद देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। सो आई होप आई एम ट्राइंग टू कि मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाऊंगा, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं करते हुए। सो बस इसमें आपका जितना प्यार मिल रहा था उससे ज़्यादा थोड़ा प्यार मिलना चाहिए। सो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। लाइक कमेंट तो करना ही है, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, थोड़ा सब्सक्राइब हमारे थोड़ा बढ़वा दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कर दो सब लोग मिलके, थोड़ा शेयर कर दो आपस में, ठीक है। सो यही कुछ चीज़ें थी जो आपको बोलने का था। सो बाकी अभी फटाफट चेंज ही भरा लेते हैं और फिर चलते आगे, फिर पहुँचते हैं कोल्हापुर। थोड़ी देर हो चुकी है, हम लोग कोल्हापुर पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा ऑफिस का काम था तो मैं वो भी निपटा करके आ चुका हूं। सो अभी जस्ट थोड़ा सा बाहर आया हूं, तो बोला थोड़ा कुछ खा पी लिया जाए। सो अभी आया हूं और देखता हूं कि अभी आप लोगों से बात करने का मौका तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा और बिज़ी रहूँगा, तो मैं बोला चलो एक बार बाएँ तो आपसे इंट्रोडक्शन हो जाए करके। सो मिलते हैं फिर बहुत जल्द शाम को और निकलेंगे शाम को। थोड़ा सा क्या शॉर्ट वीडियो रखने वाला हूँ मैं, आप जैसे कि आप लोगों ने रिकमेंड किया था, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते जाओ, ठीक है। और बाकी काफ़ी शॉर्ट वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, फटाफट सब्सक्राइब करते जाओ, ओके चले। टाइम हो रहा है तकरीबन चार बज चुका है ऑफर के लिए, क्योंकि थोड़ा सब लोगों को भूख लग रहा था, कुछ ब्रेकफास्ट तो लिया था बट थोड़ा भूख लग रहा था, सर ने बोला कि चलो थोड़ा सा लंच वगैरह ले लेते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं ओपल होटल में, मेरे हिसाब से काफ़ी फेमस होटल है यहाँ का। सो चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर होटल का नज़ारा कैसा है, टेस्ट कैसा है। और टेस्ट तो खैर ऑलवेज अच्छा ही होगा, क्योंकि आज सब चीज़ अच्छी अच्छी मिल रही है सुबह से ही। सो फटाफट चल लेते हैं और देखते हैं अंदर का क्या माहौल है। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। खाना खा के तो हो गया है, और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, सुबह से एक चीज छुपा रहा था मैं। मजा आ गया मगर सुपर। अब पान खाने का टाइम, पान खा के लेते हैं। हाँ सर, सुनिए सर कैसा रहा खाना? और खाना खाने के बाद क्या चाहिए? पान तो जरूरी है, पान तो जरूरी है भाई। आपको पान तो जरूरी है, पान लेते हैं पहले। हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। अभी आ चुका हूँ मैं अपने एरिया में, यानी कि पूना में, और अभी हूँ मैं अपनी बाइक के ऊपर। सो अभी मैं जा रहा हूँ घर, और रात का हो रहा है 2 बज रहा है गाइस, क्योंकि सुबह का निकला हुआ रात को 2 बज रहा है। एक्चुअली मैं क्या गाड़ी में सो गया था, तो कुछ व्यूज़ भी नहीं ले पाया, बहुत थक गया था यार, बहुत बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, क्योंकि ट्रैवलिंग में तो ऑलरेडी हम लोग थक ही जाते। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस सबसे पहले चीज़, तो जो आप प्यार देते जा रहे हो गाइस, वो प्यार देते जाओ, लाइक कमेंट शेयर कर दो। अगर यहाँ तक अगर आप आए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, पक्का।
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।